राम राम जी। एसी वेंट में जैसे हम एसी को ऑन कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है, बदबू आ रहे हैं, बदबू को कैसे हटाएं। दूसरा चीज ये है कि जब हम एसी को फ्लो करते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये एयर का जो फ्लो है ये भी कम आ रहा है, उसके लिए क्या करें। दोनों का इलाज है बताऊंगा इसी वीडियो में। क्योंकि हमारी गाड़ी में पहले चूहे लग रहे थे, बहुत बुरी तरीके से वायर वायर कट कर दिए थे और इतना मल मूत्र कर दिए थे कि बदबू आ रहे हैं। जैसे हम एसी को ऑन कर रहे हैं, एयर्स में से बदबू आ रहा है चूहे का मल मूत्र का। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि फ्लो का हमारा कूलिंग कॉइल चोक है। तो दोनों कंडीशन में हमारा ये 3M का, देख रहे 3M का एयर कंडीशनर क्लीनर फोम है, और इससे दोनों ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बदबू भी नहीं आएगा एसी में, फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। उसके लिए हमें क्लीन करना पड़ेगा सिस्टम को। कैसे क्लीन करेंगे गाड़ी का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी फिल्टर को निकालेंगे, यदि एसी फिल्टर है। यदि एसी फिल्टर नहीं है तो नहीं निकालेंगे। ये है एसी फिल्टर, और एसी फिल्टर भी हमने नया ही डाला था, हालांकि जब सर्विस करी थी। वो तिवारी कार की ओर पे आ जाएगा सर्विस का वीडियो। ये देखो एसी, पहले जो एसी फिल्टर निकाले थे उस पर तो इतना ज्यादा चूहे का लैटरिंग वैटरिंग पड़ा हुआ था, गंद पड़ा हुआ था, तो ये निकाल देंगे। एसी फिल्टर को हमने निकाल दिया। अब मेन क्या है कि हमारा जो भी हम फोमिंग करेंगे तो फोमिंग हमारा कूलिंग कॉइल पे डायरेक्ट जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फोमिंग जब हम करेंगे तो फोमिंग बाहर ना आए। अब ये पाइप देता है, बड़ा सा पाइप, ठीक है। इस पाइप में सबसे पहले ये लगाएंगे हम यहाँ, ये बात, और इस पाइप को क्या करेंगे, इतना लंबा पाइप है, तो जब हम इसको पाइप को इसमें डालेंगे ना, तो ये कूलिंग कॉइल तक जाएगा। देखो ये कूलिंग कॉइल जो है ना, सीधा ये जाके कूलिंग कॉइल पे अड़ गया। अब देखो अड़ गया ना। अब यहां से हम फोमिंग को इंसर्ट करेंगे, उस कूलिंग कॉइल में भरेंगे। ये देखो, इधर से देखे कैसे निकला, देखो कैसे। तो हल्का सा इधर कर लेंगे, देखो इधर बाहर आ गया। एसी को बंद कर देंगे क्योंकि हमने बंद नहीं किया हुआ था एयर का फ्लो। ये देखो कैसे क्लीन करता हुआ, देखो कैसे धुआं निकालता हुआ चला रहा है। ये देखो आ गया बाहर। ये तो हमारा, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, फिर दूसरे वाले में क्लीन करेंगे। अब इससे भी बाहर आ गया, इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, और इस वाले फ्लो से भी बाहर आ गया, सबसे आ गया। ये देख रहे हैं ना, अब कैसे कचरा काट रहा है अंदर ही अंदर। इसको काटने देते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं हम, क्या जो सारा कचरा काट ले। हाँ थोड़ा सा इसमें भी मार देते हैं। अब ये देख रहे हैं ना पानी, ये सब फोम है, वो गल के पिघल के क्लीन करके नीचे गिर रहा है, देख रहे हैं ना, बूंद बूंद के करीब में नीचे गिर रहा है। तो ऐसे ये बाहर गिरता रहेगा। डब्बे पे मेंशन किया हुआ है कि करने के बाद से 1 से 2 मिनट रोक के होल्ड करके स्विच ऑन कर दें और फैन को चला दें, ऐसा करके लिखा हुआ था। हमारा 2-3 मिनट हो ही गया। अभी इधर से भी टपक रहा है साइडों से, देख रहे हैं ना पैरों में, तो ये सारा अच्छे से, अब महक भी अच्छी खासी आ रही है। तभी मैं, अरे क्या बात है, अरे शाबाश, ये देख रहे हैं ना, ये देखो अंदर देख रहे हैं। अब ऐसे एसी को हमने क्या करना है, ऑन कर देना है ये, ठीक है। अभी एसी को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं बढ़िया से, तो स्टार्ट भी कर देते हैं। ये बात है, ये धुआं उड़ा रहा कैसे। बैठ जाओ तिवारी जी, बैठो, आ जाओ बैठो। ये देखो धुआं उड़ा रहा है, अरे शाबाश, उड़ रहा है धुआं, अरे वाह भाई वाह, धुआं उड़ रहा है भाई, मजा आ गया। ये धुआं उड़ा रहा है, अब फ्लो भी बढ़ गया भाई साहब, क्या बात है।
क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्लो हो गया, अब सब क्लीन कर देगा, एक नंबर का मजा आ जाएगा। ये बात है, ये देखो फ्लो, ये फ्लो देखो, बैठ तेरी यार क्या बात है। देख कूलिंग कॉइल को भी साफ कर देता है, सबसे मजे की बात ये है। इधर इधर भी फ्लो बढ़िया हो गया, देख रहा ना। अरे कहाँ जा रहा है, सेंटर में रोक ही नहीं पा रहा। इधर का फ्लो, हाँ ये हवा कम आ रहे थे इधर, ये वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई साहब। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया गाड़ी के अंदर। अभी इसको 5 मिनट चलने देते हैं, अब 5 मिनट के बाद से क्या करेंगे, 5 मिनट के बाद से हम इसे बंद करके ये वाला फिल्टर लगा देंगे। ओए शाबाश भाई साहब, क्या गंद काटा है यार, अभी कपड़े से भी मैं साफ करूंगा। आए है क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। वैसे ये दो होना चाहिए डब्बे, ये छोटे डब्बे में पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा कम पड़ गया, तो डब्बे दो होने चाहिए थे। उसके लिए एक ब्रश आता है ना, उसको डाल के भी साफ कर सकते हैं, पर इससे, अरे मेन जो ले रखे उससे करो बस, दूसरे का क्या आता है वो। भैया अब अच्छे से क्लीन कर रहे हैं हम इसको किनारे से, एक एक चीज मैं बढ़िया से क्लीनिंग कर देता हूँ, उसके बाद से क्या करता हूँ मैं फिल्टर को लगा देता हूँ। अब फिल्टर को लगा देते हैं, ठीक है, तुरंत इसमें फिट कर दो ये 2Z, मजा आ जाए बिल्कुल, ठीक है जी। अब चलो, तो भाई हमने क्लीन तो कर ली, क्लीनिंग के दौरान दो चीजें मुझे माइनस पॉइंट लगा, एक तो एक में होगा नहीं, तो मेरे को दो हालांकि मंगाना चाहिए था, ऑनलाइन से मैं मंगाऊंगा एक और, अब दो मंगाऊंगा एक ही बार, जब नेक्स्ट सर्विस होगी तो दो एक ही साथ ऑर्डर करूंगा मैं इसको। अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, पर वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है जी, कोई स्पॉन्सर भी वीडियो भी नहीं है। तो एक तो इसका माइनस पॉइंट ये लगा कि एक में नहीं हो पा रहा पूरा, मतलब थोड़ा सा एक वेंट मेरा बच जा रहा है, खाली हो जा रहा है, एक ये है। दूसरा ये है कि मट्टी जो है ना अंदर की, वो क्लीन नहीं कर पा रहा है, अंदर की मट्टी अभी भी दिख रही है। हाँ ये है, एयर फ्रेश आ गया और स्मेल जो थी वो खत्म हो गया, स्मेल खत्म हो गया, एयर बहुत तेज आने लगा, एयर बढ़ गया बहुत तेजी के साथ में, तो मेरा कूलिंग कॉइल तो क्लीन हो गया अच्छे से, वेंट की जो गंदपना थी वो दूर हो गई, लेकिन जो मट्टी पहले की चिपकी हुई थी वो मट्टी नहीं दूर हो पाई, बस इतना है। और आपका कैसा लगा स्मेल में, क्या कहते हो? स्मेल तो खत्म हो गई, एयर की क्वांटिटी बढ़ गई, एयर की फ्लो अच्छी हो गई, हाँ हाँ, स्मेल तो खत्म ही हो गई पूरी, स्मेल कूलिंग देखते हैं, कूलिंग भी बढ़ सकती है, कूलिंग कूलिंग इसलिए बढ़ेगी, कारण क्या है कि जब कूलिंग कॉइल जब क्लीन हो जाएंगे ना, तब कूलिंग अभी देखो ना, एक नंबर में चला रहा हूँ मैं, ये देखो एक नंबर में चला रहा हूँ अभी, और मेरा कूलिंग अच्छा खासा है, ये देखो बढ़िया कूलिंग, इस पे भी कूलिंग आ रही है, तो एक नंबर में भी कूलिंग मेरे को ठीक दे रही है। अभी दो नंबर लगाया नहीं, दो नंबर लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कूलिंग तो ठीक हो गई, स्मेल भी खत्म हो गया, लेकिन यही है माइनस पॉइंट कि एक डिब्बे में हो नहीं रहा है, और दूसरा इसका मट्टी जो अंदर की है वो नहीं क्लीन कर पा रहा है। मट्टी क्लीन करेगा भी कैसे, क्लीन करने का तो कोई चांस है नहीं, हम तो प्रेशर तो मार नहीं रहे हवा का, या फिर पानी का प्रेशर से तो साफ कर नहीं रहे, ये तो लिक्विड ही है ना, एक तो खाली गंदपना दूर करने के लिए, एयर फ्रेश आए और एयर ज्यादा है उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा रहा रिजल्ट सब मिला के, मेरे को अच्छा लगा, जितने में मिला अच्छा था, रिस्पॉन्स अच्छा था। भाई साहब गाड़ी चला के देखा, बहुत जबरदस्त कूलिंग बढ़ गई हमारी, पहले 3 नंबर में चलाते थे जितनी कूलिंग आती थी ना, क्योंकि मजबूरी है 3 नंबर चलाना पड़ता था, अब मैं 2 नंबर में चला रहा हूँ, क्योंकि 2 नंबर में मेरे को पूरा कूलिंग मिल रहा है, तो 3 नंबर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि 3 नंबर भी जो ना बहुत बेहतरीन हो गया, अब क्लीनिंग से कूलिंग भी इंक्रीज हुई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। तो 1 नंबर देता हूँ कूलिंग के लिए, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर मार दीजिएगा, दिल से थैंक यू आप लोगों को, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक वाइक हिट विट सब कर रहे हैं, दिल से थैंक यू आपको।